नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सीएम सिटी में एक शर्मसार मामला प्रकाश में आया है। सीएम सिटी करनाल में पंचायत का तुगलकी फरमान, लड़का लड़की का मुंह काला कर जूतों का हाथ डालकर मारते पीटते हुए घुमाया गया। मामला करनाल के गांव दनियालपुर का है। दो प्रेमी जोड़ों को प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पंचायत के फैसले के बाद प्रेमी को गांव में मुंह काला करके गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया। पंचायत के फैसले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हरियाणा के करनाल का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। करनाल के दनियालपुर गांव में पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए लड़का लड़की को जहां गांव निकाला कर दिया, वहीं पंचायत बुलाकर पंचायत में लड़का लड़की को लाकर काफी जलील भी किया गया। उनको मारा पीटा गया, उनके गले में जूतों का हार डालकर उनका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया, जिसके बाद यह लाइव वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे गांव में इसका जहां विरोध एक पक्ष कर रहा है, वहीं दूसरे पक्ष के फेवर में है। उनका कहना है कि लड़का लड़की का जो अवैध संबंध था, उसके चलते जो कुछ किया गया वही किया गया। एक्स सरपंच के घर में पंचायत हुई, जिसमें यह तुगलकी फरमान सुनाया गया। लड़का और लड़की कहां पर हैं, उनको गांव निकाला दे दिया गया है और इस मामले में पुलिस कार्यवाही करती है, यह देखने वाली बात होगी। लड़का लड़की जिनका अवैध संबंध था, गांव के लोगों को पता चला तो पंचायत के बीच में उनको बुलाया गया। पंचायत में ही उनको मारा पीटा गया और इस तरह का फरमान सुनाया गया कि आगे आने वाले गाँव की युवा पीढ़ी को एक सबक मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कानून को इस कदर अपने हाथ में लिया गया और किस तरह से लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं, लड़का लड़की के गले में जूतों का हार डाला हुआ है, गांव के युवाओं को मारते पीटते हुए मुंह काला करके पूरे गांव में घुमा रहे हैं। सवाल बड़ा गंभीर है कि 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी 50 साल पीछे जो सख्त कानून है वह गांव में आज भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र करनाल का। यह गांव दनियालपुर, यहां पर पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया, गांव के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और लड़का लड़की को सुना डाली एक सजा। करनाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर करनाल के गांव दलियालपुर के एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गांव के ही कुछ लोग मिलकर एक लड़के व एक लड़की का मुंह काला करके उनके गले में जूते चप्पलों की माला डालकर गांव में घुमा रहे थे और उन्हें अपमानित कर रहे थे। यह मामला जैसे ही एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत प्रबंधक थाना सदर के निरीक्षक बलजीत सिंह को मामले की जांच करने व आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रबंधक थाना सदर ने मामले की छानबीन की व पीड़ितों का पता लगाया और सुनील पुत्र धीराराम वासी दनियालपुर की शिकायत पर इस संबंध में सदर थाना में आईटी एक्ट और एससी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक करनाल श्री राजीव कुमार ने बताया कि आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संबंध में संज्ञान लेते हुए उपरोक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है, यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे पुलिस से संपर्क करे, ना कि कानून को अपने हाथ में ले। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दलियामपुर का एक मैटर सामने आया है, इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, तो कंप्लेन पक्ष से अप्रोच करके उसे कंप्लेंट ली गई है और उस पर FIR दर्ज किया गया है। और जो उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि उसको बंधक बना के और उसका एक वीडियो वायरल किया गया है, और वीडियो को जो वायरल किया गया उसमें जो भी नियमित सेक्शंस हैं IPC के और IT एक्ट के वो लगा दिए गए हैं, और 10 से 12 लोग हैं जो नामजद हैं और बाकी 8-10 व्यक्ति अन्य हैं जो इस काम को करने में उसके साथ थे, तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है और जो पीड़ित है उसकी मेडिकल अटेंशन प्लस उसकी काउंसलिंग का भी हम ध्यान रख रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करके जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हम लगाई जाएगी। 10 से 12 के लोग हैं जो नामजद हैं और 8 से 10 अन्य लिखवाए हैं जो लोग इनको इसको करने में साथ थे, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी पाया जाएगा। सर, पंचायती तौर पर जो फैसला था उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए? हमारे पास सिर्फ एक वीडियो आया है, उस वीडियो को संज्ञान लेते हुए हमने FIR दर्ज की है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी एविडेंसेज आएंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा और उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टिगेशन को हम टेकअप करेंगे। सर, मामला क्या था, किस तरह का, मतलब
मामला अभी हमारे पास एक वीडियो आया है, जो वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास भी है। विवाद क्या है इसमें, अभी से एक लड़के से एप्लीकेशन लेके हमने सिर्फ FIR ही दर्ज की गई है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन संबंधित के बयान वगैरह लिए जाएंगे और वो बयान लेने के बाद हम अपना जो है जो चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट कर दी जाएगी और किसी भी दोषी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।